क्या आप कभी हर इतवार घर में सो के गुजरते हैं? हर छुट्टी बिल्कुल बोरिंग तरीके से गुजरती है, हर छुट्टी में घर पर कोई ना कोई पंचायत होती है, आपके दोस्त कहीं घूमने जाते हैं, आपको ले के नहीं जाते, तो इन सब चीज़ों का सिर्फ एक हल है, आप DSLR ले लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो माशरे में, आपकी इज्जत हो दोस्तों में, जहाँ आप जाके बैठो आपकी वैल्यू हो, तो उसका सिर्फ एक ही हल है, आप ले लो एक DSLR। क्योंकि DSLR वाले दोस्त की घर में इज्जत होनी है, लेकिन दोस्तों में बड़ी इज्जत होती है भाई। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। कहीं जाना हो, कहीं घूमना फिरना हो, कोई पिकनिक का प्रोग्राम हो, कहीं भी निकलना हो, किसी की शादी हो, DSLR वाले दोस्त को सबसे पहले कॉल आती है। हर प्रोग्राम में, हर इवेंट में जिसके पास DSLR होता है वो सेलिब्रिटी की तरह आता है, आगे पीछे 4-5 उसके लोग होते हैं गैदरिंग, भाई इज्जत इज्जत मिलती है भाई। मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आपके पास DSLR है, आपकी इज्जत है, आप फोटो लोगे भाई। जब पहले घूमने का प्रोग्राम बनता था और आप दोस्तों को फोन करके बोलते थे कि यार मेरी गाड़ी में जगह रखना, और आप बराबर पैसे पहले एडवांस देने के लिए तैयार थे, लेकिन आपकी जगह नहीं रखी जाती थी। गजब बेइज्जती है। अब वही लोग पहले आपको फोन करते हैं, भाई पिकनिक का प्रोग्राम है, आप चलोगे तो हम जाएंगे, आप DSLR लेकर आओगे तो हम जाएंगे, आपके लिए फ्रंट की सीट रखी जाती है बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी पैसे के, आपको सिर्फ इसलिए साथ रखे जाते हैं आपके पास DSLR है, यानी हमें DSLR से इज्जत मिल रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो इतवार आपका घर पे सो के गुजरता था, तंग हुए गुजरता था, अब वो इतवार वैसे नहीं गुजरेगा क्योंकि आपके पास DSLR है। अब तो लड़के वड़के आते हैं 8-10 सारी इतवार को, गेट में जाए चलो भाई चले शूट पे, बहुत चंगा ना मैं। तो ये DSLR आने के बाद जिंदगी बदल जाती है। जो इतवार घर पे सो सो के गुजर रहा था, वो बाहर पार्कों में गुजर रहा है भाई, VIP जगहों पे जा रहे हैं, घूमने फिरने वहाँ गुजर रहा है। जो लोग आपको टेढ़े मेढ़े नामों से आवाज मारते थे, आपको नाम लेके आगे भाई बोल के आवाज मारते, जो लोग आपको दूसरी जगह पे बुलाते थे, वहां से आते बाइक पे आपको लेके जाते साथ, भाई क्यों? DSLR इज्जत। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखो जब आपके पास DSLR नहीं था, आप घर से निकलते हो और मोहल्ले में सुकून से गुजर के निकल जाते हो, लेकिन जब आपके पास DSLR आ गया, आप गली से निकलने की देर है, आपकी हर लोंडा आपको आवाज मार होगा, भाई कैसे ठीक ठाक मजे में, क्यों आसरा पानी, कभी शूट पे चल लेंगे साथ ले जाएगा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। कोई काम इंसान जिसकी घर के बाहर कोई इज्जत नहीं होती, कोई उसको जानता ही नहीं, कोई उसको पहचानता ही नहीं, कोई उसको कोई बुला नहीं होता, DSLR आने के बाद उसको लोग शादी में बुला रहे हैं, उसको लोग प्रोग्राम में बुला रहे हैं, उसके साथ लोग घुमाने लेके जा रहे हैं, उसकी मोहल्ले में सलाम दो और ये इज्जत हो रही है, क्यों हो रही है भाई? नहीं 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 सालों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पहले की जिंदगी गुजर रही थी सादगी के साथ, खामोशी से उठ रहे थे, चुपचाप अपने काम पे जा रहे थे, वापस आ रहे थे, उठना खाना पीना सो जाना, वो जिंदगी गुजर रही थी। अब वो जिंदगी नहीं रही, आप घर से निकलते हो काशन है, चौड़े हो गए, मतलब बगलों में दाने दो दो फीट जो है ना, बगले खोल के निकलते हो बाहर, गरम आए हाय हाय हाय, क्योंकि आपके पास DSLR आ गया भाई। इंसान की इज्जत नहीं है, माल की इज्जत है, समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो आप? तो मेरी बात मानो, अगर आपको इज्जत चाहिए लाइफ में तो आप एक DSLR ले लो, फिर देखो इज्जत इज्जत है भाई लाइफ में। फिर कोई सेंस है इस बात की? एक बात तो बता ही नहीं गया, जिन लोगों को लाइफ में इज्जत तो चाहिए लेकिन नोट नहीं DSLR लेने के लिए, तो वो बेइज्जती वाली जिंदगी गुजारें, उसी की कश्मकश में आगे बढ़े, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आ जाएगा अगर पैसे जमा करके लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो जलील जलालत वाली जिंदगी आपकी कहीं गई भी नहीं है। कैसा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।